आज मैं आपके लिए एक नया रेसिपी लेकर आई हूँ, वो है बैंगन स्टफ मसाला की सब्जी। चलिए अब स्टार्ट करते हैं। पहले इसका इंग्रेडिएंट्स देखेंगे। ये देखिए, पहले मैं बैंगन को ऐसा धो के चार बार करके रख लिया, कट करके सभी को। अब हाफ टी स्पून हल्दी ले लिया मैंने, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर ले लिया, इमली खट्टा ले लिया मैंने, और प्याज लहसुन धनिया बीज को अच्छे तरीके से तेल में गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करके पीस करके रख दिया। भुना हुआ मूंगफली का पाउडर, भुना हुआ नारियल की पाउडर। तड़का के लिए ले लिया मैंने जीरा, राई, हींग और आपका टेस्ट का अनुसार नमक, भारी कटा हुआ धनिया, भारी कटा हुआ प्याज और तड़का के लिए मेन इंग्रेडिएंट खड़ी पत्ता। चलिए अब पहले स्टफिंग तैयार कर लेते हैं। ये ऑनियन पेस्ट, नारियल, मूंगफली, सब लाल मिर्च, इसको नमक डाल के सभी को मिलाएंगे और बैंगन में अच्छे तरीके से भर देंगे। बचा हुआ मसाला को हम बाद में सब्जी में लास्ट में डालेंगे। चलिए अब पहले सब्जी के लिए तड़का दे देंगे। ये देखिए, तेल डाल दिया मैंने एक कढ़ाई में, इसको गर्म होने देंगे। गरम होने के बाद इसमें डालेंगे हम जीरा और राई। इसके बाद हम डालेंगे कड़ी पत्ता। कड़ी पत्ता डालने से सब्जी टेस्टी बनता है, बैंगन की ये ट्रेडिशनल सब्जी है। अभी हम इसमें डाल रहे हैं, आप भी एक बार मेरा रेसिपी ट्राई कर लीजिए। अभी ये देखिए, इसमें हम डाल रहे प्याज। प्याज ज़्यादा नहीं फ्राई करना है हमको। अब इसमें डालेंगे हम एक एक करके भरा हुआ बैंगन। बैंगन को हम थोड़ी देर तक इसी में फ्राई करेंगे ढक्कन लगाकर। ये देखिए, अब मैं डाल दिया बैंगन, अच्छे तरीके से फ्राई करेंगे। ये रोटी और चावल का साथ परफेक्ट कॉम्बिनेशन है। इसको ढक्कन लगाकर फ्राई करेंगे। अब देखिए, ये हल्का सा फ्राई हो गया। अब इसमें हम मिलाएंगे कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर। ये अब कलर के लिए मैं डाल रही हूँ, आपको चाहे तो डाल दीजिए, नहीं तो स्किप कर दीजिए, ये एक्सटर्नल है आपके लिए। अभी ढक्कन लगाकर और थोड़ी देर फ्राई करेंगे। ये देखिए, हल्का सा फ्राई करना है इसको, ज़्यादा नहीं फ्राई करना है। बाद में इसको बचा हुआ मसाला को हम इसको मिलाएंगे, इसको अच्छे तरीके से मिलाएंगे। नमक में मसाले में डाल दिया, आपको चाहिए तो और इसमें नमक डाल सकते हैं। मैं अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया। अब इसमें हम डाल रहे इमली की खट्टा। ये देखिए, मिक्स कर लिया मैंने। आपको ग्रेवी ज़्यादा चाहिए तो पानी डाल दीजिए, गरम पानी। मैं इधर गरम पानी डाल रही हूँ। इसको हम अच्छे तरीके से मिलाएंगे, थोड़ी देर इसको ढक्कन लगाकर पकाएंगे। ये देखिए, हमारा सब्जी उबल रहा है और पकाना चाहिए इसको बीच बीच में, ऐसा ढक्कन हटाकर देखिए। फिर से मैं, ये देखिए अभी पक गया हमारा सब्जी, आपको दिखा रही हूँ मैं स्पून से। अभी इसमें हम धनिया पत्ता ऐड करेंगे। अब इसमें हम सर्व करेंगे। बहुत टेस्टी सब्जी है, हमारा रेसिपी ज़रूर आप ट्राई कर लीजिए बना के। थैंक्स फॉर वॉचिंग।